यस सर। गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग करेंगे वर्कआउट ऑफ चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है, फ्रॉम पियर्सन पेज नंबर 51। तो वर्कआउट में हम लोग, मैंने आपको होमवर्क दिया था, बोला था आपको करना है, ठीक है। तो वर्कआउट में आप मेरे से डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं बेटा। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो है, इसमें बहुत ही सिंपल सा है ना। फर्स्ट वाले में बोला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, तो इसमें से हमें बताना है कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप फैक्टर करके, जो भी पेयर में नहीं होगा वही परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। आई थिंक कुछ इसका जो फोर्थ है ऑप्शन, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है बेटा। देखिए मैं आपको ना एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ कि कौन नंबर परफेक्ट क्यूब होता है कौन नहीं होता। देखिए जिस भी नंबर के लास्ट में 3 हो, 7 हो, ठीक है, वो कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होते, ठीक है। जिस भी नंबर के लास्ट में, एक मिनट सॉरी गलत हो गया, जिस भी नंबर के लास्ट में 3 होता है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होते। 7 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब 3 का हम क्यूब करते हैं तो 3 3 या 9 9 3 से 27, तो 7 हो सकता है बेटा। तो इसलिए हम जिस भी नंबर के लास्ट में 3 होता है वो कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो आप पहले तो ये देखिए जिसके लास्ट में 3 है या नहीं है। और हाँ एक चीज़ और, और जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि इन सबके आप प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। इन सबको प्राइम फैक्टराइज करके आप देख लीजिएगा कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है कौन नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं तो आपको इसमें सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें पहले उन नंबर्स को देखिए, ठीक है, जो आपको लग रहे हैं कि परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। तो मुझे तो ऑप्शन 4 लग रहा है, तो ऑप्शन 4 से मैं चेक करता, तो आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ द फॉल ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए बेटा यहाँ पे बोला है कि हमें एक नंबर दिया है 14,81,544, तो बोला इसके क्यूब रूट में वंस डिजिट क्या होगी, है ना। इसमें क्यूब, इसका जो भी क्यूब रूट आएगा उसकी वंस डिजिट क्या होगी। तो देखिए जो इसकी जो वंस डिजिट है एक्चुअल में है ना 4 है, तो इसी का हमें देखना है कि क्यूब रूट करने पे क्या आएगा। जो भी इसके वंस डिजिट है आप देखिए, आपको इसका पूरे का क्यूब रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ऐसा सोचिए अपने दिमाग में, ऐसा कौन नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जो क्यूब है वो 4 आता है, जिसकी क्यूब लास्ट वाली डिजिट क्यूब करने में 4 आती है। तो 3 ही नंबर ऐसे पॉसिबल हैं, या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है ना। इन तीनों में से ही कोई एक नंबर है जिसको क्यूब करने पे लास्ट में 4 आएगा। तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और 8 का क्यूब होता है 512। तो आप देखिए 64 मतलब 4 एक ऐसा नंबर है जिसके क्यूब की भी जो लास्ट डिजिट है वो 4 है, जबकि बाकी सारे नंबरों की लास्ट डिजिट, 8 के क्यूब की लास्ट डिजिट 2 है, 2 के क्यूब की लास्ट डिजिट 8 है। तो मतलब अगर लास्ट डिजिट 4 है तो ऐसा नंबर जिसमें लास्ट डिजिट में 4 है तो उसका क्यूब रूट जो होगा उसमें भी 4 होगा, उसकी भी लास्ट डिजिट क्या होगी 4 होगी। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला 4। समझ में आया। देखिए आपने यहाँ पे सब जो भी हमारे पास ना 1 से लेके 10 तक ऐसे सारे नंबर मैंने लिख लिए जिनको क्यूब करने पे 4 आ सकता है, तो वो तो 2 होगा या 4 होगा, मतलब सारे इवन नंबर होंगे, है ना, इवन नंबर ही होंगे। तो आप देखिए 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, चलिए 6 को भी हम ले लेते हैं। बट 6 का भी जो क्यूब है वो 36 है, यूनिट डिजिट 6 वाले की तो हमेशा 6 ही रहती है, चाहे उसका क्यूब करो या स्क्वायर करो, जिसके भी एंड में 6 आएगा उसका क्यूब रूट या फिर उसका क्यूब, दोनों की लास्ट में 6 आएगा ही आएगा। तो हमने जब 4 का क्यूब किया था तो 64 आ रहा है, तो हमने देखा बेटा 4 ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर 64 आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ 64 के क्यूब रूट की फर्स्ट या वंस डिजिट या लास्ट डिजिट क्या होगी, तो वो भी 4 होगी। तो यहाँ पर भी एक ऐसा नंबर बोला है कि जिसकी लास्ट डिजिट, देखिए हमें नंबर ये दिया हुआ था, तो अगर बोला है इसके क्यूब रूट की लास्ट डिजिट क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अगर क्यूब में लास्ट में 4 है तो इसके क्यूब रूट में भी लास्ट में 4 होगा,
तो यही हमसे पूछा था, तो इसलिए आंसर सेकंड है। बोला द नंबर ऑफ द डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ 4492125। तो इसमें बोला है कि इसके क्यूब रूट में कितने डिजिट्स होंगी। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर, तो इसको निकालने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर, ठीक, तो उसमें आप क्या करोगे, उसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे उसको, जैसे हमें कोई भी नंबर दिया है। हाँ बेटा समर, सर जितने क्यूब की यूनिट है तो क्यूब रूट की सेम होगी। नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना क्यूब रूट में हम तीन के पेयर करते हैं। तो जैसे लास्ट डिजिट, अगर जैसे किसी की लास्ट डिजिट सपोज 7 है, तो ज़रूर नहीं है कि उसका जो है क्यूब रूट की भी लास्ट डिजिट 7 हो। तो जैसे 7 का हम क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, है ना। 7 7 49 एंड 49 7 343। तो आप देखिए 7 का जो क्यूब करने पे हमारी लास्ट डिजिट क्या आ जा रही है, 3। तो अगर मैं बोलूँ 343 का क्यूब रूट की लास्ट डिजिट क्या होगी, वो 7 होगी। मतलब अगर 7 का क्यूब करेंगे, मतलब ऐसे कोई नंबर जिसके लास्ट में 7 है, तो उसका क्यूब करने पे जो लास्ट डिजिट है वो 3 आएगी। और ऐसा कोई नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 3 है, उसका क्यूब रूट करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 7 आएगी। तो इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ना। जैसे 2 की अगर मैं क्यूब करूँगा तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 8। तो ऐसा कोई नंबर जिसके लास्ट डिजिट 8 है, तो उसका क्यूब रूट करने पे लास्ट डिजिट क्या आएगी, 2 आएगी, है ना। ऐसी 4 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट 64 आती है। तो एक ऐसा नंबर जिसका लास्ट में 4 है, तो उसका क्यूब रूट करने पे भी लास्ट डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए 1 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट 1 ही आएगी। तो 1 ऐसा एक नंबर जिसके लास्ट में 1 है, तो उसके क्यूब रूट भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। 3 का क्यूब करने पे लास्ट डिजिट 27 है, तो 7 का क्यूब रूट, अभी तो बताया देखो 7 वाला 3 हो जाएगा, और 3 वाला क्या हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, और 5 वाला 5 ही रहता है, ठीक है। और 9 वाला, हाँ 9 वाला, 9 वाले की जो लास्ट डिजिट है वो क्या होती है, 9 ही हो जाती है। 9 9 जे 81 81 9 जे 729। तो 9 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट और क्यूब दोनों 9 ही रहता है, ऐसी 5 भी है। समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत इसमें अब। हाँ 8 और बचा, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 8 8 जे 64 64 8 जे 512। तो देखिए ये इंटरचेंज होते हैं, मतलब जिसके लास्ट में 8 है तो उसका क्यूब रूट 2 होगा, या फिर जिसके लास्ट में 2 है तो उसका क्यूब रूट 8 होगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, इंटरचेंज होते हैं ये, ठीक है ना, समझ में आया। यस सर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए एक इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसे हमें कोई भी नंबर दिया है, जैसे नंबर दे दिया 4492123। तो अभी जैसे इसमें बोला है कि इसके क्यूब रूट में कितनी डिजिट होगी, तो इसके ना आप पेयर कर लीजिए, ठीक है। कितने के ग्रुप बनाएंगे, 3 3 के, ठीक है, लेफ्ट की तरफ से 1 2 3 1 2 3, और एक ये बन गया। तो कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3। तो जितने भी ग्रुप बनेंगे उतनी नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 ग्रुप है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएगी 3, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। सर क्यूब रूट की फॉर्मूला का यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है बेटा जब बोला जाए ना, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, नहीं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, और ऐसे चलता रहे कहाँ तक, 100 तक, 100 टर्म्स तक। तो इनका सम बताइए, तो इनका सम करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं एन एन प्लस 1 अपॉन 2। एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स, जो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी बोली है, 100 तक, तो एन की जगह पे 100 रख दो, ठीक है। ये 2 से कटा 50 बार में, तो अंदर हो गया 50 × 101, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5050। तो मतलब 1 से लेके अगर 100 तक की हम सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका जो सम आएगा वो कितना आएगा बेटा, 5050। तो ये सम निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स का, ठीक है।
एक सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन होती है, तो उसका सम निकालने का फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे अगर बोला गया, जैसे केवल ये ऐसे डैश 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 20 टर्म्स तक बोला गया है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की एन की जगह पे कितना ले लेंगे 20, और इधर हो जाएगा 20 प्लस 1। तो बोला गया जैसे 20 टर्म्स का सम बताना है, तो इसको इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 210। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको बताया लेफ्ट की साइड से 3-3 का ग्रुप बनाना है। तो जितने भी ग्रुप बनेंगे, जैसे 3-3 के ये 2 ग्रुप बन गए और एक ये सिंगल बचा, तो जितने ग्रुप बनेंगे नंबर ऑफ डिजिट उतनी हो जाएगी। जैसे सपोज ऐसे होता तो 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, जितने भी ग्रुप बनेंगे उतनी नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगी किसी भी नंबर के क्यूब में। ठीक है, समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? ये समझ गए बेटा बच्चे बेटी? यस सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर डी देखिए। अकाउंट भेज दिया है। ओके बेटा, डी देखिए आप इसका। बोला था व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू 6561 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है ना, कि जब भी बोले किससे मल्टीप्लाई करें तो उसको प्राइम फैक्टर करके जो भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसके नेक्स्ट में बोला है किससे डिवाइड करें, तो भाई जो भी नंबर है ना, जिसका भी पेयर नहीं बन रहा तो उसी से डिवाइड कर दो। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है ना, तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर एफ देखिए। बोला क्यूब ऑफ ए टू डिजिट नंबर कैन बी, एक टू डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 4 डिजिट, सेकंड ऑप्शन है 6 डिजिट, थर्ड ऑप्शन है 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट, और फोर्थ ऑप्शन है 1 डिजिट। तो 1 डिजिट का तो कभी भी नहीं होने का, क्योंकि 2 नंबर के अगर हम छोटे से छोटे डिजिट भी लें तो 10 का क्यूब भी 1000 होता है ना, तो 1 डिजिट वाला तो बिल्कुल नहीं होने का। ठीक है, तो अब इसमें देखिए बेटा कौन कौन सा बोला है, 4 डिजिट, 6 डिजिट या फिर 4, 5, 6, तीनों। तो आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हम 10 का क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब हो गया 1000, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट हो गई। ठीक है, अगर हम 20 का क्यूब करेंगे, 20 भी एक 2 डिजिट नंबर है, तो 20 का क्यूब करेंगे वो भी कितना आएगा, 8000, तो उसमें भी नंबर ऑफ डिजिट हो गई 4। बट इसी के अपोजिट हम 40 का क्यूब कर दें, 40 का क्यूब कितना होता है बेटा, 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 है ना, और 30, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट हो गई 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट हो गई इसमें 5। और इसी के जस्ट अपोजिट हम कर दें 90 का क्यूब, तो 90 का क्यूब होता है 729 और 30, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपने देखा किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है उसमें 4 डिजिट भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट। समझ में आया बेटा? अंशिका, समर, देवेंद्र, अच्छे से समझ में आया ये? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, इसके बाद सर ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था। हाँ, ये मैंने टेस्ट में भी दिया था ना आपको, जिसने वर्कआउट किया होगा उसने कर दिया होगा तुरंत। उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जी देखिए। जी देखिए बेटा, जी में बोला गया है द क्यूब रूट ऑफ द नंबर, हमें एक नंबर दिया है इसका क्यूब रूट बोला है। देखिए अगर कोई भी नंबर माइनस में है तो उसका क्यूब रूट भी हमेशा माइनस में ही होगा। समझ में आया बेटा? अगर जैसे कोई भी नंबर हमें दिया है, अगर वो माइनस में दिया है तो उसका क्यूब रूट भी हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए चाहे तो, क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज, क्यूब रूट हो या क्यूब हो दोनों चीज, अगर उसका क्यूब भी हो वो भी नेगेटिव ही होता ऑलवेज। तो क्यूब या क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो क्यूब या क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, और पॉजिटिव का ऐसे क्यूब और क्यूब रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द डिजिट एट वंस प्लेस. तो मैंने आपको बताया ना बेटा, इसके देखिए लास्ट में 7 आ रहा है, तो आप ही मुझे बताइए इसकी जो क्यूब रूट होगा उसकी वंस डिजिट क्या होगी. हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है जिसके क्यूब रूट हमसे पूछा गया है, क्यूब रूट की वंस डिजिट बताइए क्या होगी, है ना. और इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 7 आ रही है, तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं. तो क्यूब, सर 3. हाँ बेटा, अभी मैंने आपको टेबल से समझाया था ना कि बेटा जिसकी लास्ट डिजिट में 7 आता है, मैंने आपको टेबल से भी बना के दिखाया था ना बेटा. ये देखिए कि जिसके लास्ट डिजिट में 7 आएगा उसके क्यूब रूट में 3 आएगा, है ना. और जिसके क्यूब रूट में 3 आएगा, जिसके क्यूब में 3 आएगा तो उसके क्यूब रूट में 7 आएगा. ये मैंने आपको क्लियर करवाया था बेटा अभी, ठीक है अंशिका. हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 3. और अगले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में तो क्यूब करना है बेटा, आप वो कर लीजिएगा, 2.63 का क्यूब कर लीजिएगा. हाँ समर बोलिए बेटा, क्या डाउट है. हाँ बोलिए बोलिए सर. स्क्वायर रूट हो तो नेगेटिव आएगा. नहीं बेटा, नेगेटिव वाले का स्क्वायर रूट जो है नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर रूट उसका निकाल ही नहीं सकते, इमेजिनरी नंबर होता है. ठीक है, किसी भी क्यू नंबर जो जो भी नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है. ठीक है, उसका इमेजिनरी नंबर आता है स्क्वायर रूट. क्यूब रूट जो है वो नेगेटिव आता है. ठीक है, समझ में आया बेटा. हाँ, इसका बोला है क्यूब बताइए, तो इसका क्यूब आप कर लीजिएगा. ठीक है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1,03,823 बाय एस्टिमेशन मेथड. तो भाई ये आप निकालिएगा एस्टिमेशन मेथड से, वो तो मैंने आपको क्लियर किया हुआ है पहले ही. एग्जाम्पल बता दीजिए, जैसे बेटा बोला है स्क्वायर रूट का, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं नेगेटिव वाले का स्क्वायर रूट. तो जैसे 625 एक नेगेटिव नंबर है ना, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो इसका स्क्वायर रूट कुछ ऐसा लिखूंगा, 625 के मैंने फैक्टर करूंगा ना मैं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे -5 × -5 × -5 × -5. तो इसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव आ जाएगा बेटा. नहीं पॉजिटिव नहीं, हाँ मैं बता दूँ, नेगेटिव आएगा. कैसे, अभी देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये सारों के साथ माइनस नहीं आएगा, पहली चीज़ तो ये. ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा पहले, तो -625 को मैंने लिखा -1 × 625. ठीक है, ध्यान से देखिएगा अभी, तो -1 और 625 को हमने लिख लिया 5 × 5 × 5 × 5, है ना, 625 के फैक्टर्स हो जाएंगे. ठीक है, तो इसके मैंने जैसे स्क्वायर फैक्टर किए तो यहाँ से ये बाहर, यहाँ से ये बाहर, तो 5 × 5 तो बाहर आ गया, बट अंडर रूट 1 रह गया. तो अंडर रूट -1 जो होता है बेटा वो इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है, तो अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आई, और यहाँ पे जो आई है वो है इमेजिनरी. तो ये इस टाइप के नंबर जिनका स्क्वायर रूट के अंदर ना माइनस की वैल्यू होती है वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं बेटा. ठीक है, और हाँ, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, मतलब वो अगर नंबर नेगेटिव है जैसे, तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो एक नंबर अगर वो नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. क्लियर हुआ ये सब? ठीक है बेटा. यस सर. हाँ, आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 तो एस्टिमेशन मेथड से आप कर लोगे. फिर 5 में बोला फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकाल लेना. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 6 में बोला है बाय विच नंबर, किससे इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये, ताकि ये मेक परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो प्राइम फैक्टराइज कर लो, और जिसका भी पेयर ना उसी से मल्टीप्लाई कर दो. और नेक्स्ट में बोला किससे डिवाइड करिए परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो प्राइम फैक्टराइज कर लो, जिसको भी जो भी पेयर में ना हो उसी को डिवाइड कर दो पूरे को. ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसे देखिए. बोला है इज 686 ए परफेक्ट क्यूब, क्या 686 परफेक्ट क्यूब है, बाय व्हाट विच नंबर शुड इट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब. तो इसमें किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो सबसे पहले हमने इसको फैक्टर करने हैं यहाँ पे, है ना, पता करने के लिए कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. तो इसके प्राइम फैक्टर हम लोग कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 686, तो हमने यहाँ पे करना है इसके, तो 686 2 से किया. ठीक है,
तो आपने यहाँ पे देखा इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 7 × 7 × 7। तो भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगर इसे मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो यहाँ पे 2 2 कम है, तो 2 2 मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 से मुझे इंटू करना पड़ेगा। और अगर मुझे डिवाइड करने को बोले तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो आप दोनों चीज़ें लिख दिए, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब वी शुड मल्टीप्लाई बाय 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर अगर बोला जाए किससे डिवाइड करेंगे, तो टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब वी शुड डिवाइड बाय 2, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया बेटा?